અચારોમાં આગળ વધી આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ સંજયસિંહને તિહાર જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. દારૂ કોબળમાં 6 મહિના બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે જામીન આપ્યાના બીજા દિવસે તેમને છોડવામાં આવ્યા હતા. સંજયસિંહ જેલમાંથી છૂટીને સીધા અરવિંદ કેજરીવાલના નિવાસસ્થાને પહોંચીને તેમની પત્ની સુનીતા કેજરીવાલને મળ્યા હતા. પરિવાર પણ હાજર હતો. સુપ્રીમ કોર્ટે સંજયસિંહને શરતી જામીન આપ્યા છે, જેમાંથી કેટલીક શરતો પ્રમાણે સંજયસિંહ પુરાવા સાથે છેડછાડ નહીં કરે, તેઓ દિલ્હી એનસીઆર છોડશે નહીં, જો દિલ્હી છોડીને બહાર જવું હોય તો કોર્ટને જાણ કરવી પડશે, તેમજ પાસપોર્ટ પણ સબમિટ કરવો પડશે. સંજયસિંહના લોકેશન પર નજર રાખવામાં આવશે, તેમજ તપાસમાં પણ સહકાર આપવો પડશે. તે ઉપરાંત કેસને લઈને કોઈ ટિપ્પણી કે નિવેદન પણ નહીં કરી શકે. સંજયસિંહે એવું કહ્યું કે મને જામીન આપવા બદલ હું ન્યાયતંત્રનો આભાર માનું છું અને આશા રાખું છું કે મારા મોટા ભાઈ અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા અને સત્યેન્દ્ર જૈનને પણ ટૂંક સમયમાં જામીન મળી જશે. જ્યાં સુધી મારા 3 ભાઈઓ બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારા ઘરમાં કોઈ ઉજવણી નહીં કરવામાં આવે. ઈડીએ 4 ઓક્ટોબર 2023 રોજ સંજયસિંહની ધરપકડ કરી હતી. ઈડીની ચાર્જશીટમાં સંજયસિંહને 82 લાખ રૂપિયાની લાંચ મળી હતી. 4 ઓક્ટોબરે ઈડી તેમના ઘરે પહોંચી હતી અને 10 કલાક લાંબી પૂછપરછ બાદ તેમની ધરપકડ કરી હતી. તો મેં બતાના ચાહતા હું ये आम आदमी पार्टी है, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं. तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं है, तुम्हारे किसी बदर घुड़की का डरने वाले नहीं है. तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो. अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में भेज दिया, मनीष सिसोदिया को तुमने जेल में भेज दिया, सत्येंद्र जैन को तुमने जेल में भेज दिया. उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं. उनका गुनाह यह है कि वो दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं. उनका गुनाह यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते हैं. हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पति का चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं. उनका तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं. अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोड़ जनता के लिए काम करेंगे. दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे. कहते हैं चिट्ठी कैसे लिखेंगे, 6 महीने जेल में रह के आया भाई, 6 महीने जेल में रह के आया. आतिशी जी, कैलाश गहलोत के पास जेल विभाग है, उनसे पता कर लीजिएगा. मैंने तो डीपीआर भी पढ़ा, संजीव झा को रास्ते में बता रहा था. जेल मैनुअल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रह के असीमित चिट्ठियां लिख सकता है, असीमित. पढ़ लेना. पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते. बहस चल रही थी केजरीवाल सरकार कैसे लिखेंगे, कैसे चलाएंगे, चिट्ठी कैसे लिखेंगे. असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं, असीमित, उसकी कोई लिमिट नहीं है. और अगर कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो कोर्ट से परमिशन. और अगर और सरकारी चिट्ठी को, एक मिनट सुन लो बात, और कोई सरकारी चिट्ठी लिखनी है तो जेल सुपरिंटेंडेंट उस चिट्ठी पे मोहर लगाकर उसको अटेस्ट कर देता है. उनकी सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो. आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है. मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं. नरेंद्र मोदी जी, कान खोल कर सुन लो. आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता
अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी का रहा था, आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने, भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया, मुकुल राज सुबंधु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला, गोपाल भाई भाजपाइयों के लिए नारा बनाया, स्पेशली जेल में खाली थे, कुछ तो काम करना था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। और भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद।